हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पर वो कहता है हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, गेट अस आउट ऑफ हेयर, गेट अस आउट ऑफ हेयर। अब सपोज आपको ये बोलना है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको गेट मी आउट ऑफ हेयर, गेट मी आउट ऑफ हेयर, मतलब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो कहता है इसके बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना भी मत। अब आपको किसी से बोलना होगा इसके बारे में सोचना ही मत इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है ये। वो कहता है तुम मर सकते थे, यू कुड हैव डाइड, तुम देखे जा सकते थे, यू कुड हैव बीन सीन। वो कहता है हमेशा मैं ही क्यों, वाई इज़ इट ऑलवेज मी, हमेशा मैं ही क्यों, वाई इज़ इट ऑलवेज मी। अब कभी कभी फ्रेंड्स हमारे संग में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फ्रेंड्स या फैमिली में किसी काम के लिए या किसी पर्पज के लिए सिर्फ हमें ही बोला जाता है बार बार, तो उस समय हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि हमेशा मैं ही क्यों। तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे वाई इज़ इट ऑलवेज मी, Why is it always me? हमेशा मैं ही क्यों। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई शुडंट हैव सेड दैट, आई शुडंट हैव सेड दैट। अब कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आपने कभी किसी से कुछ बोल दिया, फिर कभी डिस्कस होता तो आपको ऐसा फील होता है, अंदर से गिल्टी होता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो उसको हम जैसे बोलेंगे इंग्लिश में तो हम क्या बोलेंगे, आई शुडंट हैव सेड दैट, आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पे वो कहता है बता दो उन्हें हॉगवर्ट्स अब और सुरक्षित नहीं रहा, टेल देम हॉगवर्ट्स इज़ नो लॉन्गर सेफ। वो कहता है बता दो उन्हें हॉगवर्ट्स अब सुरक्षित नहीं रहा, टेल देम हॉगवर्ट्स इज़ नो लॉन्गर सेफ, टेल देम हॉगवर्ट्स इज़ नो लॉन्गर सेफ, बता दो उन्हें हॉगवर्ट्स अब और सुरक्षित नहीं रहा। वो कहता है तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, इट्स सो गुड टू सी यू, इट्स सो गुड टू सी यू। वो उसको रिप्लाई करती है तुम्हें देखकर भी बहुत अच्छा लगा, इट्स ग्रेट टू सी यू टू, इट्स ग्रेट टू सी यू टू। अब फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, कभी हम किसी पार्टी में किसी से मिलते हैं बहुत दिनों बाद, तो हम उससे बोलते हैं कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, तो हम बोलते हैं इट्स सो गुड टू सी यू, इट्स सो गुड टू सी यू। और सपोज हमें किसी को रिप्लाई करना है तो हम कहते हैं इट्स ग्रेट टू सी यू टू, इट्स ग्रेट टू सी यू टू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स Do I have to tell you? वो कहता है How many times do I have to tell you? तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बात को बार बार बोलते हैं तो हमें भी इरिटेशन हो जाता है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलें कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, हम बोलेंगे How many times do I have to tell you? कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। तुम बहुत अजीब हरकत कर रहे हो, यू आर एक्टिंग वेरी ऑड, तुम बहुत अजीब हरकत कर रहे हो, यू आर एक्टिंग वेरी ऑड। अभी आप किसी से बोल रहे हो कि तुम बहुत अजीब हरकत कर रहे हो तो आप बोलेंगे यू आर एक्टिंग वेरी ऑड। वो कहती है किसी से नहीं बोलना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, किसी से नहीं बोलना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, डोंट स्पीक टू एनी वन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, डोंट स्पीक टू एनी वन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब किसी से भी नहीं बोलना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो ये भी काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। उसे कौन ले गया, हु टुक हर, उसे कौन ले गया, उसको कोई ले जाता तो वह पूछता है कि उसे कौन ले गया, हु टुक हर। सवाल सिर्फ यह है हम वहाँ पहुँचे कैसे, द ओनली क्वेश्चन इज हाउ डू वी गेट देयर, हाउ डू वी गेट देयर, हम वहाँ पहुँचे कैसे। मुझे भी कुछ मिला था, आई फाउंड समथिंग एज वेल। वो कहता है मुझे भी कुछ मिला था, आई फाउंड समथिंग एज वेल, मुझे भी कुछ मिला था, आई फाउंड समथिंग एज वेल। मैं ऐसा क्यों करूँ, वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूँ, एंड वाई शुड आई डू दैट, मैं ऐसा क्यों करूँ, वाई शुड आई डू दैट, Why should I do that? मैं ऐसा क्यों करूँ। अब ये भी काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है फ्रेंड्स, अगर आपको बोलना हो कभी किसी से तो आप बोल सकते हैं Why should I do that? तुमने उसको कहाँ भेजा है, Where have you sent her? तुमने उसको कहाँ भेजा है, Where have you sent her? मेरे भाई ने बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी दी थी। वो बताता है कि मेरे भाई ने बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी दी थी। My brother sacrificed many things. Mr. Potter, my brother sacrificed many things, मेरे भाई ने बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी दी थी।
उसके साथ वो कौन है? हुज दैट विद हर? वो पूछता है उसके साथ वो कौन है, हुज दैट विद हर? अब आपको किसे पूछना है उसके साथ में वो कौन है, तो आप कहेंगे हुज दैट विद हर, हुज दैट विद हर? उसे मेरे पास लाओ, वो कहता है उसे मेरे पास लाओ, ब्रिंग हिम टू मी, ब्रिंग हिम टू मी, उसे मेरे पास लाओ, ब्रिंग हिम टू मी, ब्रिंग मतलब लाने या लाने के लिए ब्रिंग का यूज़ होता है, उसे मेरे पास लाओ, ब्रिंग हिम टू मी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।